Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. पॉलिटिकल अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान और मेरे साथ आज कश्मीर में जो पिछले 24 घंटे या 36 घंटे में जो हुआ है और जिस तरह का नाटकीय घटनाक्रम वहां चल रहा है उस पर बात करने के लिए और कश्मीर के ओवरऑल पर्सपेक्टिव पर बात करने के लिए हमारे साथ वजाहत हबीबुल्ला साहब मौजूद हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और कश्मीर में लंबे समय तक टीसी के तौर पर भी रहे हैं, तो कश्मीर को उनसे बेहतर और कौन जानेगा, तो उनसे इसके बारे में बात करेंगे। वजाहत हबीबुल्ला साहब, जो अभी हुआ है, जो राज्यपाल ने किया, सत्यपाल मलिक ने, उनका ये कहना है कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाया है, उन्होंने संविधान को बचाया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने बचाया है या उन्होंने नुकसान पहुंचाया है कॉन्स्टिट्यूशन को? ये तो ये उनकी राय है, इस पे बहस अवश्य हो सकती है, किंतु लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जनता की ओर से इलेक्टेड जो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको डिसमिस कर देना, मेरे विचार में ये लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका नहीं है, उसे उसकी एक शिकस्त है। बहरहाल इस पे बहस हो सकती है, ये एक राय की बात है। लेकिन साथ ही अब जबकि उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी, उमर अब्दुल्ला भी, कांग्रेस पार्टी भी अब सब सवाल उठा रहे हैं सत्यपाल मलिक ने जो कदम उठाया उसको लेकर। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग को उन्होंने रोक दिया। उस पर भी आएंगे कि बीजेपी क्या कर रही थी और वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले अगर इनके बारे में बात की जाए, महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बारे में, तो वो भी बहुत श्योर नहीं थे नंबर्स को लेकर, क्योंकि कल ही गुलाम नबी आज़ाद ने बयान दिया था, उमर अब्दुल्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हम बातचीत कर रहे थे, तो अभी सिर्फ बातचीत तक ही बात थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने फैक्स भेज दिया, तो वो क्या ब्लफ कर रही थी? नहीं, मेरे ख्याल में ब्लफ तो नहीं कर रही थी। मेरी मुलाकात फारूक साहब से 2-3 दिन पहले हुई थी लखनऊ में, तो वो बता रहे थे कि ये बात हो रही है, उनके पास 57 मेंबर थे, तो अगर बातचीत चल भी रही थी तो मेरे विचार में राज्यपाल का ये कर्तव्य बनता था कि वो बातचीत को किसी अंजाम तक पहुंचने देते और उसमें ये देखने की आवश्यकता थी कि अगर किसी की अक्सरियत बनती है तो उन्हें आमंत्रित किया जाए सरकार बनने के लिए। ये हमारा संविधान तो यही है, यही कहता है। तो इस प्रकार से वो सारा जो रास्ता है उसको सारे को काट देना, असेंबली को बर्खास्त कर देने से ही, तो ये मेरे विचार में इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज यह है कि उनको मौका दिया जाता कि वो सरकार अगर बना सकते थे तो बनाएं, अगर नहीं बना सकते थे तब जाके ये बात होती। आज तक जो वहाँ की असेंबली है उसको क्यों नहीं सस्पेंड किया या डिसमिस किया गया था? आज तक तो वही था। और हम सुनने में ये भी आया है कि और भी पार्टी जो है वो भी इस प्रयत्न में थी कि वो सरकार बना ले। नहीं, बिल्कुल कोशिश की जा रही थी। सज्जाद लोन ने तो कल व्हाट्सएप के जरिए गवर्नर को संदेश भेजा कि मैं भी सरकार बनाना चाहता हूँ, मेरे पास भी नंबर्स हैं, और वो भी जोड़ तोड़ से ही नंबर्स इकट्ठे हो रहे थे, जहाँ वो एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग को मना कर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सज्जाद लोन के पास तो अपने सिर्फ 2 ही विधायक थे, बीजेपी का समर्थन ले रहे थे, बीजेपी ने सज्जाद लोन को उसका समर्थन किया था, लेकिन वो फिर पीडीपी में तोड़फोड़ ही कर रहे थे, तो वो उस तोड़फोड़ को बढ़ावा दे रहे थे और इनको मौका नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या समझा जाए कि वो जब उन्हें लगा कि नंबर्स इकट्ठा हो जाएंगे शायद पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, तो उन्होंने इस वजह से इसे डिसॉल्व करना बेहतर समझा? लगता तो यही है कि वो सरकार बन रही थी अपोजिशन की तो ये किया गया, लेकिन ये लोकतंत्र के विरुद्ध एक कदम बन जाता है अगर ऐसा वास्तव में है। और हॉर्स ट्रेडिंग की आलोचना जो आप लगा रही हैं, तो जैसे आप कह रही हैं ये आलोचना लगाई जा सकती थी सज्जाद पे। सज्जाद मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे बेटे जैसे हैं, मेरे उनके पिताजी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर आपके पास वैसे नंबर्स पार्टी के तौर पर नहीं हैं तो कैसे बनाएंगे नंबर? ये कोई ज़्यादा अकलमंदी की आवश्यकता नहीं है किसी को समझने के लिए कि वो आप बनवा लेंगे नंबर्स, और वो किस तरह से हो सकता है? सिंपली थ्रू हॉर्स ट्रेडिंग। लेकिन जो अभी हुआ है जम्मू कश्मीर में, उससे पहले हम पार्टियों के तौर पर आपसे समझते हैं कि किसको फ़ायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। देखिए, काफ़ी समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस और विशेष तौर पर फारूक अब्दुल्ला ये कहते आए हैं कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए
और वो चाहते थे कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। वो ये बहस देते थे कि लोकतंत्र के हामी होते हुए वो चाहते हैं चाहते थे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी वो सरकार वहाँ संभाले। ये कहते हैं काफ़ी समय से सरकार की ओर से ऐसा हो नहीं रहा था, अब हो गया है। तो अगर किसी पार्टी की मांग थी कि यह असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। तो यही तो मेरा उत्तर यही होगा कि अगर किसी का फ़ायदा हुआ है इसमें से तो क्योंकि उनकी मांग पूरी हुई है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा हुआ है। और इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा हुआ है क्योंकि पीडीपी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, महबूबा मुफ्ती के लिए मुश्किल हो रहा था अपनी पूरी पार्टी को एक साथ रखना, मुजफ्फर बेग उनकी पार्टी के इतने वरिष्ठ सदस्य हैं वो खुलकर उनके खिलाफ आ गए थे और भी काफ़ी असंतुष्ट थे विधायक उनके, तो अब उनके उनको एक लाइफलाइन दे देते अगर वो साथ में सरकार बनाते, तो वो लाइफलाइन भी उन्हें नहीं देनी पड़ी और गठबंधन भी नहीं बाद में शायद जाकर टूट जाता तो वो भी नहीं तोड़ना पड़ा। और तो इसमें भला सबसे ज़्यादा किसका, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का हुआ, पीडीपी? नहीं, जैसे ये तो आपके आपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया है। ये अगर महबूबा की सरकार फिर आती तो जाहिर है कि जो कमियां रह गई थीं उनके पिछले सरकार में उनको दूर करने का उनको मौका मिल जाता, वो मौका उनको नहीं मिलेगा अब। तो वही जो रिकॉर्ड है, जो पिछले सरकार की उनकी रिकॉर्ड है, उसी को लेके उन्होंने जाके लोगों के सामने पेश होना होगा इलेक्शन के। और रिकॉर्ड की जहाँ तक बात है तो वो बीजेपी के लिए भी वही रहेगा क्योंकि बीजेपी भी तो यही कोशिश कर रही थी कि वो उस रिकॉर्ड से आगे बढ़ जाए, एक सरकार बना ले, सज्जाद लोन के सहारे बना ले, और वो नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी भी क्या एक लूजर के तौर पर ही निकल कर सामने आई पोलिटिकली, राजनीतिक तौर पर? जाहिर है कि अब बीजेपी का जहाँ तक कि ताल्लुक है कि जब तक कि राज्य था ये गवर्नर रूल के तहत तो केंद्रीय सरकार था और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की ही सरकार थी वहाँ। अब वो उनको ये अब ये 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 जाहिर हो गया है, ये उनकी जिम्मेदारियाँ बन गई है कि उनको अब नया इलेक्शन करना होगा। जैसे मैंने कहा कि ये मांग थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की और विशेष तौर पे फारूक अब्दुल्ला की, और वो मांग अब पूरी हो गई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो लोकल इलेक्शंस हैं उनका बहिष्कार करते हैं, सरकार बनाने के लिए साथ आ जाते हैं, इसे कैसे समझा जाए? नहीं, ये तो सियासत है। जो जिसका फ़ायदा वो समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में उनको होने वाला है उसकी वो मुखालिफत करेंगे, या जो समझते हैं कि उसका फ़ायदा उनको अभी हो रहा है उसका वो साथ। तो लोकल बॉडी इलेक्शन में हिस्सा लेते तो वो उन्हें लॉन्ग टर्म में नुकसान देता, लेकिन अगर आप असेंबली डिसॉल्व कराकर चुनाव कराएंगे वापस तो वो उनको फ़ायदा पहुँचाता है उनकी राजनीति। लोकल बॉडी इलेक्शन में मेरा ये विचार है कि उनको हिस्सा लेना चाहिए था, उनको कुछ शक थे जिसकी वजह से उन्हें भाग नहीं लिया। और मुजफ्फर बेग जैसे आप बता रहे हैं उनने भी अभी ये आलोचना की है कि उनको हिस्सा भाग लेना चाहिए था लोकल बॉडी इलेक्शंस में। लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं वह लोकतंत्र की जड़ हैं, दे आर द थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, तो उनको मजबूत करना सरकार का कर्तव्य बनता है। मैं पंचायत राज का सचिव भी रह चुका हूँ और मैंने काफ़ी मुफ्ती सईद का सर की सरकार थी उस समय उनके साथ काफ़ी मिलकर काम किया था कि ये लोकल बॉडी इलेक्शंस को मजबूत करने का जो तरीके हैं वो इस्तेमाल करें। तो वो उसकी आलोचना कर उसका मुखालफत करते हुए मेरे ख्याल में ये गलती थी। ये मेरा मशवरा होगा, मेरी मशवरे की कोई ख़ास ज़रूरत वहाँ के सियासतदानों को नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि वहाँ के जो सियासतदान हैं जो भी हैं उनको ये फ़ायदा लेना चाहिए, जो जमहूरी जो लोकतांत्रिक दरवाजे हैं उनके पास, और उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। अब वो उन पे है, वो करते हैं या नहीं करते हैं, किंतु सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वे इलेक्शन करते रहें। एक लोकतांत्रिक सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो लोकतंत्र में रुकावट ना डाले, और जब निर्वाचन होने हैं तो निर्वाचन होने चाहिए, वो होने चाहिए। कश्मीर की बात करें क्योंकि कश्मीर बाकी किसी राज्य की तरह नहीं है, कश्मीर अपने आप में एक स्पेशल स्टेटस रखता है, वहाँ के जो ज़मीनी हालात हैं वो जिस तरह के हैं, वैसे में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पिछले काफ़ी दिन से बनी हुई थी उसके लिए बेहतर हुआ ये
जो राज्यपाल ने किया, रिजॉल्व किया असेंबली और इलेक्शन दोबारा होंगे? इसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह तो इसका उत्तर सिर्फ आपको मिलेगा कि जब राज्य सरकार जो भी है, चाहे वो गवर्नर रूल हो या पॉपुलर रूल हो, कि वो क्या कौन सी नीतियाँ अपनाती हैं। और जो मेरे विचार में, और मैंने लिखा भी इसके बारे में है कई दफ़ा, कि जो नीति वहाँ कुछ असर कर सकती है वे यही है कि लोगों को लोकतंत्र का पूरा एहसास होना चाहिए। जो आज़ादियाँ लोकतंत्र में हैं, जो आज़ादियाँ हमारे संविधान में हर एक नागरिक के हैं, वे सब इनके जम्मू कश्मीर में जो हमारे नागरिक हैं उनको भी उनका असर होना है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लोगों का जो एलिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है, और पिछले कुछ समय में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दक्षिण कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हालात हैं समय ख़राब है। जब केंद्र में सत्ता में आई थी बीजेपी और एक ब्रूट मेजॉरिटी के साथ, एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई थी, तब सबको ये उम्मीद थी, ये ऐसी लगातार चर्चा हो रही थी कि जब सत्ता में यहाँ पर केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी ताकतवर, तो कश्मीर में हालात बदल सकते हैं। इस सरकार से ऐसी उम्मीद थी और वाजपेयी ने जो शुरू किया था उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके उलट हुआ है, इसके उलट ये हुआ है कि वहाँ पर हर स्तर पर हालात ख़राब हुए हैं। वहाँ पर आतंकवाद बढ़ा है, वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, टेररिज्म बढ़ा है, हर स्तर पर एलिनेशन बढ़ा है, युवाओं में एलिनेशन बढ़ गया है। तो इसके पीछे क्या वजह आप समझते हैं, ऐसा क्यों? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जब ये इलेक्शन हुआ पिछला और मोदी सरकार आई, तो मेरी मुलाकात मीरवाइज़ फारूक से हुई थी, और उन्होंने कहा था कि मुझसे पूछा था क्या आपकी राय में मोदी जी वही नीति अपनाएंगे जो वाजपेयी जी की थी। और जैसे आप जानते हैं वो वाजपेयी जी काफ़ी नज़दीक आ गए थे हुर्रियत लीडरशिप के साथ भी, और ख़ास तौर से मीरवाइज़ के साथ। तो मैंने कहा ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप स्वयं जानते हैं, आप स्वयं मोदी जी से संपर्क कीजिएगा और उनसे ये बात पूछिएगा। और मोदी जी ने बार बार ये बात कही भी थी, इंसानियत की बात थी ना जो वाजपेयी जी ने, और वो जो कश्मीरियत से ज़्यादा इंसानियत का जो शब्द है, वे शब्द कश्मीरियों को जीत गया था। तो वो और मीरवाइज साहब की यही सवाल था कि वे इंसानियत पे ही अपनी नीति चलाएंगे कि नहीं। जैसे आप जानते हैं कि नीति तो इंसानियत से ही दूर रही है, और जैसे मैंने पहले अभी कहा कि अगर लोकतंत्र को आप वास्तविकता देंगे उस राज्य में, तब जाके आपको ये समस्या का हल नज़र आएगा। आएगा नहीं, लेकिन नज़र तो आएगा। लेकिन अगर आप लोकतांत्रिक आज़ादियाँ जो हैं वे उनसे महरूम रखेंगे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों से, तो फिर मेरे विचार में समस्या का हल आना कठिन है। इसे क्या इस तरह से समझा जा सकता है, अगर हम देश की राजनीति में देखें कश्मीर को, तो बीजेपी की राजनीति में कश्मीर में कोई समाधान हो, या कश्मीर में लोकतंत्र वहाँ के ग्रास रूट तक पहुँचे, या लोग बहुत एलिनेट ना फील करें और भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहें, इसमें उनको राजनीतिक फ़ायदा है या राजनीतिक नुकसान है? अब ये मुझसे आप क्यों पूछते हैं, ये तो आप उनसे पूछिए जो राजनीति में है। मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो एक प्रशासक रह चुका हूँ, और जैसे आप जानते हैं हम प्रसिद्ध हैं इस काम के लिए कि हम राजनीति को समझते नहीं हैं। चलें अब कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर के लिए क्या बेहतर होगा कि जल्द से जल्द चुनाव हो और वहाँ पर एक सरकार आए सत्ता में, और उसको क्या कदम उठाने चाहिए जो कश्मीर में फ़िलहाल हालात हैं उससे निपटने के लिए? बिल्कुल, ये तो ये है कि यह सरकार होनी चाहिए, और वो लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और फिर वो लोगों की चुनी हुई सरकार जो है उसको जनता की ओर अपना हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। जनता को सरकार में व्हाट यू कॉल पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, वो अभी नहीं हो रहा है। नहीं, और कभी जहाँ तक जम्मू कश्मीर में है का सवाल है, वो बहुत कम हुआ है उसके पूरे इतिहास में। बाकी हिंदुस्तान में हुआ है और बढ़ता जा रहा है, किंतु जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। और मेरे विचार में समस्या यही है,
جب لوگوں کو, اور بار بار آپ سنتے ہیں کشمیری کیا کہتے ہیں, آزادی آزادی آزادی, کیا آزادی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے, وہ آزادی لوک تنتر سے ان کو گارنٹیڈ ہے. وہ آزادیاں جو لوک تنتر میں لوگوں کا ادھیکار ہے وہ ان کو نہیں مل رہی ہیں, یہی شکایت ہے. ابھی جو حالات بنے ہیں اس میں بی جے پی سفل نہیں ہو پائی سرکار بنانے میں جو وہ کوشش کر رہے تھے, اور محبوبہ مفتی بھی سفل نہیں ہو پائیں, لیکن کیا یہاں پر جس طرح کی کل ہم نے دونوں کے بیچ میں بات چیت ٹویٹر پر دیکھی, ایک آن اے لائٹر نوٹ, محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ ٹویٹر پر جوک شیئر کر رہے تھے فیکس مشین کو لے کر راجیہ پال کی, یہ پچھلے بہت سالوں میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, تو کیا کچھ بدلے گا اس سے کشمیر میں راجنیتک پارٹیوں کے بیچ, یا یہ صرف کل کی خوشی تھی کہ سرکاروں نے نہیں بنانی پڑی؟ نہیں, یہ تو بات ہے کہ جہاں تک کہ ان دو پرواروں کا سمبندھ ہے, عبداللہ پریوار اور مفتی سعید پریوار, ان میں آمنے سامنے کوئی خاص مترتا تھی نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دوستانی آئے, اور اگر دوستانہ سلوک ہوگا چاہے ورود میں ہوں یا سرکار میں ہوں, تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ ایک مثبت بات ہے, ایک پازیٹیو بات ہے لوک تنتر کے لیے. بہت بہت شکریہ وجاہت صاحب ہم سے یہ تفصیلی بات کرنے کے لیے کشمیر کے بارے میں, کشمیر کے حالات کے بارے میں, کیونکہ کشمیر میں جو پچھلے 24-36 گھنٹے میں ہوا اس میں کشمیر کی راجنیتی میں جو لوگ سکریہ ہیں, جو دلی میں راجنیتی میں سکریہ ہوں, کشمیر کو قریب سے دیکھتے ہوں, کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا راجنیتک ناٹکیہ گھٹنا کرم کشمیر میں بہت سالوں کے بعد ہوا ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ اس سے جو نکل کر نتیجے آئیں گے وہ کشمیر کے لیے فائدے مند ہوں گے, بھارت کے لیے فائدے مند ہوں گے, اور جو سرکار دوبارہ چن کر آئے گی وہ ایک ستھر سرکار ہوگی اور پیپل پارٹیسپیشن اس میں بڑھے گا جیسا وجاہت صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور کشمیر کے لوگوں کے جو ابھی حالات ہیں اس میں سدھار آئے گا, اس کی امید کی جانی چاہیے.